हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका कॉलेज। मैं हूँ राकेश और इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर यानी 2019 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन, और उसी हिसाब से आप आगे की तैयारी करोगे कि जो कि 2024 में एग्जाम होगा। मैं भी खुद कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि मेरा प्रिपरेशन हो जाए और साथ में आपका हेल्प हो जाए और आपका भी प्रिपरेशन हो जाए, उस हिसाब से आप करो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के आयु का अंतर 6 है, उनका अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 32। तो मैथ है और मैथ में हम सब जानते हैं कि मान के चलते हैं और मैथ को जो जो क्वेश्चन में कहता है वही करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में लेट अनुपातिक मान हो जाएगा, मान लेंगे माने एक्स। अब 3:5 है, तो ए बराबर 5x, बी बराबर 3x, कुछ भी मान लेंगे, उल्टा भी मान लेंगे, सीधा भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी का आयु का अंतर 6 बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ए और बी के आयु का अंतर 6 कर देंगे और उनकी आयु का योग ज्ञात करना है बोल रहा है, यानी ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए का मान 5x, बी का मान 3x, इसलिए ऐसा लिए ताकि घटाने में माइनस प्रॉब्लम, बराबर में हम छोटा घटाएंगे तो माइनस का झंझट ही खत्म, मान के ही चल लेंगे। मैथ है जल्दी, हम लोगों को एक मिनट के अंदर आंसर पुराना रहता है टाइम के अभाव में। बराबर 6, 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 3, तो उसे दो कट जाएगा। अब a प्लस बी बराबर 8, तो a का मान हमारा 5x दिया हुआ है और b का मान 3x इक्वल टू 5×3 8x, जो कि यह है कि उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। x का मान हम लोग 3 प्राप्त कर चुके हैं, इसमें x का मान रखने पर तो 8×3 बराबर 24। ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, अनुपातिक राशि x मान लेंगे और अनुपात दिया हुआ है, उनका अनुपात 3:5, तो x अगर अनुपात माने तो 5x बड़ा वाला को पहले ले लिए और b 3x ले लिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है a और b का आयु का अंतर 6 है, यानी हम लोग a में से b का अंतर जो हो गया वो हो गया 6। अब a का मान हम लोग यहाँ पर पुट किए 5x माइनस b का मान 3x इक्वल टू 6, 5 में 3 गया 2x इक्वल टू 6, एक्स को इधर रखेंगे 6/2 इक्वल टू 3, एक्स का मान 3 आ गया और हमारे से पूछ रहा है कि उनकी आयु का योग क्या है। तो a प्लस बी, यानी a प्लस बी का जो होगा, मतलब a प्लस बी है तो उसका योग a प्लस बी, a का मान 5x, b का मान 3x इक्वल टू 8x। अब x के जगह पर 3 का मान पुट करेंगे, x का मान यहाँ से 3 पुट करेंगे, 8×3 इक्वल टू 24 वर्ष आंसर, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।